कर दोस्तों, मीत सीरियल का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार कहानी में एक नया ट्विस्ट और आया है। बात की जाए मीत हुड्डा की, तो मीत हुड्डा इस समय उसको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं और डॉक्यूमेंट मिलने के बाद में अब मीत हुड्डा तबाही मचाती हुई नजर आने वाली है इन लोगों की लाइफ में, क्योंकि इन लोगों को लग रहा था मनमीत पहलवान और उसके फादर यानी सरकार को कि हमारी जीत होगी। लेकिन दोस्तों डॉक्यूमेंट निकालने तो मीत हुड्डा के बाएं हाथ का खेल है और उसने बिल्कुल वैसा ही किया है, क्योंकि अब वो किसी से डरने वाली नहीं है और अब फाइनली ना ही इस गांव से जाने वाली। इनके ऊपर यानी मनमीत पहलवान और उसके फादर सरकार के ऊपर 420C का केस करने और जा रही है, क्योंकि मीत हुड्डा को बहुत अच्छी तरीका से पता है कि इन लोगों के साथ में क्या करना है और इनको किस तरीका से सजा भी देनी है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मीत हुड्डा के साथ में इस समय जो जो इन लोगों ने किया है उस चीज़ को मीत हुड्डा बिल्कुल भूली नहीं है, और मीत हुड्डा इस चीज़ को भी भली भांति जानती है कि जो करेंगे हम डंके की चोट पे करेंगे। और मीत हुड्डा के साथ में इस समय परिवार भी पूर्ण रूप से साथ दे रहा है, क्योंकि पहले ही राजवर्धन ने बोल दिया था मीत हुड्डा से कि तुम घबराना मत, हम तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मीत अलाहाबाद का हर सपना पूर्ण करने के लिए इस समय मीत हुड्डा हर तरीका से प्रयास रूप करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मीत हुड्डा को पता है कि इन लोगों से कैसे डील करना है, किस तरीका से इन लोगों को एक तरीका से एक्सरसाइज करना है। आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि बात की जाए मनमीत पहलवान की, तो मनमीत पहलवान की जिंदगी को झंड करने जा रही हैं इस समय मीत हुड्डा, क्योंकि मीत हुड्डा का मानना यह है कि जिस तरीका से इसने मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है, हमारे घर की सुख शांति ले ली, इसी तरीका से अब इसके घर की सुख शांति को मैं ले लूँगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइस कैसे लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।